गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का रिवीजन करेंगे यूनिट टेस्ट के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स हैं, इसको ऐड करना है। तो इसका ए पार्ट दिया हुआ है 2/7 एंड 3/7। इसको ऐड करना है, कैसे करेंगे हम लोग ऐड? यहाँ पे डिनोमिनेटर देखेंगे, ये इक्वल है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू 2/7 प्लस 3/7, ठीक है। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो यहाँ हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 3, या इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 + 3/7, ये आ जाएगा हमारा 5/7 आंसर, ठीक है। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट देखते हैं, है -4/11 एंड 7/11, ठीक है। इसको भी करना है, सॉल्व करना है, ऐड करना है, करेंगे -4/11 प्लस 7/11, ठीक है। इसको भी इस तरीके से, डिनोमिनेटर इक्वल है तो इस तरीके से लिख लेंगे -4 + 7, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 से माइनस करेंगे 4 को कितना जाएगा 3, और बड़े के सामने पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लिखना ज़रूरी नहीं, 11, ये हो गया हमारा 3/11 बी का आंसर, ठीक है। इसी में सी पार्ट दिया हुआ है, सी पार्ट है 5/-12 एंड 7/-9, ठीक है। इसको करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, LCM आएगा उसका। सॉल्व करते हैं इसको, -5/-12 प्लस 7/-9, ठीक है। एलसीएम लिया हमने, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 12 एंड 9 कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 36, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, इसको 5/12 प्लस 7/9 है, माइनस यहाँ नीचे लगा हुआ, इसको ऊपर लिखे नीचे लिखे बात एक ही है, ऊपर हमने कर दिया, इक्वल करते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, 12 × 3 = 36, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 से करेंगे, तो ये भी हो गया -15/36 प्लस -28/36, ठीक है। डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, अब इसको हम ये प्लस माइनस माइनस, -15/36 प्लस कितना हो गया यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस -28/36 ऐड करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, प्लस कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 43/36, 28 बड़ा उसके सामने माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन, -43/36 इसके सी पार्ट का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड है, जिसको मैं नहीं करवा रही हूँ आपको रिवीजन में, रिवीजन में कुछ क्वेश्चन ही करवाऊँगी मैं आपको, आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, ठीक है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो एडिटिव इनवर्स के बारे में आपको बताया गया होगा, देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स की इसमें प्रॉपर्टी दी हुई, सारी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ रखी होंगी, प्रॉपर्टीज़ इसकी देखेंगे। एडिटिव इनवर्स अगर दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है किसी भी नंबर का, तो क्या है उसका साइंस, जैसे हमें एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 फाइंड करना है, तो 3/5 का क्या हो जाएगा, -3/5, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/16 है, तो यहाँ पे 7/16 हो जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा, ठीक है। क्या होता है इसमें, इसका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में है तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक इसमें दिया हुआ है एक चीज़ है, कीप इन माइंड, 0 इज़ ओनली रेशनल नंबर हुज एडिटिव इनवर्स इज़ ऑल्सो 0, ठीक है। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स जो है वो 0 ही होता है, 0 का 0 होता है, ठीक है। देखते हैं एडिटिव इनवर्स देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में था, फोर्थ क्वेश्चन, तो उसको देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉपर्टी, इसमें है इसकी प्रॉपर्टी फिफ्थ है, पहले क्लासेस में आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, तो देखेंगे इसमें
एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 3/5 का एडिटिव इनवर्स है तो -3/15 हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो गया है यहाँ पे। एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/-7/16 है तो उसका 7/16 हो जाएगा, ठीक है। ज़ीरो, कीप इन माइंड, ज़ीरो इज़ द ओनली रेशनल नंबर हुज एडिटिव इनवर्स इज ऑल्सो ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स जो है वो ज़ीरो ही होता है, ठीक है। ज़ीरो का एडिटिव इनवर्स ज़ीरो, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड जो है वो मैं नहीं करवा रही हूँ, रिवीजन में आप लोग को, मैं फोर्थ करवा रही हूँ। सॉल्यूशन नंबर फोर देखेंगे, सॉल्यूशन फोर, सॉल्यूशन फोर देखते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/11 है, ये पार्ट इसका है, 4/11 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/11 इज इक्वल्स टू -4/11, साइन चेंज हो जाएगा। बी पार्ट में है -7/32, ठीक है। इसमें भी इसी तरीके से लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/32 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7/32, साइन चेंज हो जाएगा। सी पार्ट में है ज़ीरो, तो ज़ीरो का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, एडिटिव कैपिटल में कर दो ए, यहाँ पे अगर करना है तो, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का अभी हमने एक पढ़ा था पॉइंट कि ज़ीरो का एडिटिव इनवर्स ज़ीरो ही होता है। इसी तरीके से डी पार्ट दिया हुआ है, डी पार्ट में वन का पूछा है तो वन का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका वन का माइनस वन, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन नंबर फोर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे आप लोग कि एडिटिव इनवर्स क्वेश्चन में पूछा गया तो 4/11 है तो इसको लिख दें इक्वल्स टू -4/11। फर्स्ट छोटी क्लास में तो है नहीं आप लोग, तो जैसे करवाया जा रहा है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कर लेंगे सभी लोग, इसको मैं नहीं करवा रही हूँ, पहले आप लोग कर ही चुके हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के ही रिवीजन करवा रही हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं आपको 8 बता रही हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन 8 देखेंगे, क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन 8, ठीक है। 8 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू गेट -6/11 टू गेट 4/9, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कैसे करते थे हम लोग, लेट द नंबर शुड बी एडेड टू -6/11 टू गेट 4/9, ठीक है। नंबर आगे देखते हैं, तो लेट x बी द नंबर शुड बी एडेड टू, ठीक है। हमने x मान लिया, कि नंबर को हमने क्या मान लिया, लेट द नंबर इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या ऐड करें कि हमें 4/9 मिल जाए, तो x प्लस -6/11 में बोला है किसको ऐड करें, तो इसको किसको ऐड करें, x माना हमने इस नंबर को, हमें 4/9 मिल जाए, ठीक है। करते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x -6/11 इज इक्वल्स टू 4/9, यहाँ ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4/9 ये इधर जाएगा तो यहाँ पे ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +6/11। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, 9 और 11 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 99, ठीक है। 99 एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू 4/9 +6/11, इसको ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करने के इसको 9 से करना पड़ेगा,
ये आ जाएगा हमारा 44 अपॉन 99 और ये आ जाएगा हमारा 54 अपॉन 99। ऐड करेंगे इसको हम लोग तो हमारा कितना हो जाएगा ये 98 अपॉन 99 आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है हमारा 1.3 है, बाकी क्वेश्चन उस एक्सरसाइज के आप लोग खुद से रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसमें, फर्स्ट दिया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, एक्सरसाइज 1.3 का है, फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। इसका ए पार्ट है क्या है हमारा -3/7 एंड 14/5, इसको मल्टीप्लाई करना है तो -3/7 मल्टीप्लाइड बाई 14/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई चाहे कर लेते पहले, या क्रॉस में अगर ये कट रहा ऊपर नीचे कटेगा ये, इधर से ये भी कट सकता है ऊपर से। ठीक है, 7 × 7, 7 × 14, ये क्रॉस में कट गया, ये मल्टीप्लाई का साइन है तब कट रहा है। ठीक है, तो ये 7, 3 × 6 माइनस का साइन है तो माइनस, और ये 5। ठीक है, -6/5 आंसर। इसी का बी पार्ट है हमारा यहाँ पे, तो बी पार्ट में यहाँ पे क्या करना है हमें, -15/4 × -3/8। ठीक है, ये देखते हैं, ये इससे भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कट रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा प्लस, और 15 × 3 = 45 और 4 × 8 = 32 आंसर। ठीक है, इसी का सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट क्या है, -10/9 एंड 21/-4। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं तो -10/9 × 21/-4, माइनस से कट जाएगा और 3 से कटेगा ये, 2 × 4, 2 × 5 = 10, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 7 × 5 = 35/6 आंसर। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो कर देंगे सर, नहीं तो इसी तरीके से आंसर है 35/6। सॉल्यूशन 5 में दिया हुआ है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसका ए पार्ट है 21/37। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, जैसे हम लोग रेसिप्रोकल करते थे वही चीज़ ये भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 21/37 = 37/21। ठीक है, इसका मतलब जो है यार, जैसे हम लोग रेसिप्रोकल फाइंड करते थे वही चीज़। ठीक, बी पार्ट इसमें दिया है -17/21 है तो इसका हो जाएगा -21/17। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ इसमें -6/ सी पार्ट है, -6/-11 है तो इसका हो जाएगा -11/-6। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 5। इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन नंबर 7 देखते हैं, सॉल्यूशन 7 है हमारा। सॉल्यूशन 7 में देखेंगे क्या दिया हुआ है, डिवाइड है, ए पार्ट देख लेते हैं इसका, 3/-3/7, 3 को डिवाइड करना है किससे, -3/7 से। ठीक है, करेंगे इसको डिवाइड हम लोग तो 3/-3/7। ठीक है, डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कर लेंगे विथ -3/7 तो टेबल किसी को नहीं आता, तो ये कितना हो जाएगा 7/-3। फिर ये ऊपर नीचे कट जाएगा 3 × 1 = 1, ये इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सही तरीके से, तो कितना हो जाएगा 3 × डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/-3, इसके नीचे कोई नहीं है तो यहाँ पे हम 1 कर लेते हैं, 3 × 1 = 3 माइनस है और 3 × 1 = 3, 7 × 7 = -1 - 7 आंसर। ठीक है, ये आ गया इसका ए। अब इसी तरीके से हमारा 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, आगे देखते हैं हम लोग।
एक्सरसाइज 1.4 है, वो मैं आप लोग को नहीं करवा रही हूँ रिवाइज में, आप लोग कर लेंगे खुद से। इसमें कुछ 1.5 है, एक्सरसाइज 1.5 है जो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को रिवाइज करवा दूँगी। एक्सरसाइज 1.5 आप लोग को यूनिट टेस्ट के लिए एक्सरसाइज 1.4 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज चैप्टर 2 है, अगर जैसे हमारा रिवीजन नहीं कंप्लीट हो पाता है तो ये 1.5 का आप कर लेंगे, मैं कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी। मैं चैप्टर 2 है एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स में आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एग्जांपल्स आप लोग को नहीं पढ़ने हैं, डेफिनेशंस नहीं पढ़ने हैं आपको, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही पढ़े, सब लोग रिवाइज कर लेंगे। अब आपका बचा है हमारा रिवीजन में एक्सरसाइज 1.5 और एक्सरसाइज 2.1, इन्हीं दोनों एक्सरसाइज का रिवीजन कराना है, वो आपको हम मंडे में करवा देंगे।